हेलो एवरीवन उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स वो भी एकदम फ्री में ओनली एट लर्नोहब डॉट कॉम चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फाइंड द ऑफ ऑफ द द द फोकस एक्सिस पैराबोला इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड एंडम फॉर वाई इज़ इक्वल टू ट्वेल्व एक्स यहां पर गौर कीजिए पैराबोला पर तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पैराबोला क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं पैराबोला किस तरह से क्रिएट होता है ऐसा होता है आपका पैराबोला ठीक है स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स अब इसी में चार टाइप के पैराबोला बनते हैं राइट right साइड पे मतलब एक्स एक्सिस पे दो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाई एक्सिस पे भी अपर एंड डाउनवर्ड्स, तो ऐसे ही पैराबोला होते हैं और उनके इक्वेशन चेंज होते रहते हैं ठीक है तो यहां पे हम देखते हैं कि ये इक्वेशन है वो किस टाइप का है इक्वल टू फोर एक्स टाइप का है y square is equal to minus 4ax है या क्या है हम देखेंगे चलिए सबसे पहले क्या है जो इक्वेशन है हम लिख लेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेल्व एक्स इक्वेशन वन ले लेते हैं अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये पैराबोला बोला है कौन से फॉर्म का है ये वाई स्क्वायर है तो आपको जब वाई स्क्वायर दिया है तो जो पैराबोला होगा हमारा वो सिमेट्रिक होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस तो वाई स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस से रिस्पेक्ट होगा अब एक्स एक्सिस पे यहां तो राइट हैंड साइड होगा राइट साइड ओपन होगा यहां तो लेफ्ट हैंड ओपन होगा अब वो कैसे पता करेंगे यहां पे देखिए एक्स का जो को है वो कैसा है पॉजिटिव है तो यहां मैं लिखूंगा सिंस कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव पैराबोला क्या होगा पैराबोला राइट साइड ओपन होगा ओपन टुवर्ड्स द राइट तो ये राइट साइड ओपन हो गया हमारा पैराबोला ठीक है जब राइट साइड पैराबोला ओपन होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है जी हाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स इसे इक्वेशन ले टू लेते हैं ठीक है अब लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगी तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू फोर ए एक्स 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 कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा ए इज इक्वल टू ट्वेल्व बाय फोर तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा ए इज इक्वल टू थ्री की वैल्यू मिल गई अब पैराबोला में आपको कुछ भी फाइंड करना है तो ए की वैल्यू होना जरूरी है अगर ए की वैल्यू होगी तो हमें सारी वैल्यूज़ पता चल जाएंगी अब देखिए क्या फाइंड करना है फोकस अब पैराबोला का जो फोकस होता है इस वाले पैराबोला के लिए यहां पे होता है जिसे हम लिखेंगे एफ ए कौमा जीरो अब मैं क्यों जीरो लिखा ए लिखा यहां पे क्योंकि राइट हैंड साइड है तो जो पहला हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए होगा और एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो जीरो तो तो क्या हो गया फोकस अब ए की वैल्यू तो थ्री है थ्री कॉमा जीरो आ गया फोकस मिल गया हमें एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्लियरली पता चल रहा है पैराबोला एक्स एक्सिस पे है तो हमारी एक्सिस क्या होंगी यस एक्स एक्सिस चलिए आगे क्या है द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन अब हमारा पैराबोला बोला ये साइड है तो हमेशा जो उसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है वो लेफ्ट हैंड साइड उसके ऑपोजिट होती है तो डायरेक्ट्रिक्स जो होती है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए क्योंकि नेगेटिव है तो पॉइंट ए होगा वो माइनस ए बन जाएगा तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी यस yes, एक्स इज इक्वल टू माइनस है तो x इज इक्वल टू ए की वैल्यू तो माइनस थ्री है तो डायरेक्ट रिक्स भी मिल गई एंड द लेंथ ऑफ रेक्टम लेंथ ऑफ रेक्टम बताइए फॉर्मूलाती है फोर ए मीन फोर इन टू थ्री क्या हो गई ट्वेल्व अब लेटस रेक्टम क्या होता है फोकस में से एक लाइन पास होती है जो परपेंडिकुलर होती है हमारी एक्स एक्सेस से उसे कहते हैं रेक्टम जिसका फॉर्मूला है, है अब आपको एमसीक्यू में में अगर एग्जाम पूछा जाए कोई डायरेक्टली लेटस रेक्टम का हमें आंसर दीजिए लेंथ क्या होगी तो आपको सारी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है जो ये एक्स का कोऑर्डिनेट होता है एक्स के साथ में द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स इज द लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम देख लीजिए क्या आ गया ट्वेल्व ट्वेल्व इजी सारी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है लेकिन जब भी आप ये सॉल्व कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि आपको ए फाइंड कर लेना है जिससे सारी वैल्यूज मिल जाएंगी लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ रेक्टम सेम ही क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया चलिए सबसे पहले तो जो हमारे पास है इक्वेशन वो लिख लेंगे इक्वेशन अब पता कैसे करेंगे कि हमारा पैराबोला जो है जो बनेगा वो उसका इक्वेशन किस टाइप का होगा मैंने बताया था वाई स्क्वायर है तो उसकी सिमेट्री होगी एक्स के साथ तो यहां पे एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला इज सिमेट्रिक विथ वाई एक्सिस तो या तो हमारा पहला बोला पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव में होगा ठीक है या तो अपवर्ड्स होगा डाउनवर्ड्स होगा तो पता कैसे करेंगे वाई का कोऑर्डिनेट क्या है पॉजिटिव तो क्या लिखेंगे सिंस द कोऑर्डिनेट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई इज पॉजिटिव तो पैराबोला क्या होगा यस पैराबोला ओपन्स टुवर्ड्स अपवर्ड जी हां तो हमारा पैराबोला कुछ इस तरह से होगा ठीक है अब पैराबोला अगर अपवर्ड होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है यस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई यस इक्वेशन टू ले लिया यहाँ पे वन टू को कंपेयर करेंगे अगर तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे फोर ए वाई इज इक्वल टू सिक्स वाई फोर ए वाई इज इक्वल टू सिक्स वाई 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 कैंसल आउट क्या हो गया यहाँ पे फोर ए इज इक्वल टू सिक्स मीन्स ए इज इक्वल टू सिक्स बाय फोर ए इज इक्वल टू थ्री बाय टू यस आ गया ए हमारा अब क्या फाइन करना है हमें फोकस अब इसके लिए फोकस क्या होगा फोकस यहां पे मान लीजिए फोकस है तो ए कॉमा जीरो नहीं देखिए आपको हर बार याद करने की मतलब जरूरत नहीं आप समझ के भी लिख सकते हैं अगर भूल गए इक्वेशन एग्जाम में कि फोकस का क्या होता है तो ऐसे भी याद कर सकते हैं वाई एक्सिस पे है तो क्या होगा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स कोऑर्डिनेट वो जीरो हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट इज ए ठीक है वाई कोऑर्डिनेट इज ए तो फोकस क्या होगा हमारा यहां पर फोकस इज कॉमा ए इज इक्वल टू फोकस जीरो ए की वैल्यू आ गई थ्री बाई टू तो यहां पे मैंने लिख लिया थ्री बाई टू एक्सिस ऑफ दैरा पैराबोला कौन सी एक्सिस पे है जी हां वाई एक्सिस तो एक्सिस हो गई हमारी वाई एक्सिस फिर क्या है द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा यस yes. अब देखिए जो y है y एक्सिस पे है तो जो पैराबोला बोला कि जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो उसकी ऑपोजिट होंगी तो y इज इक्वल टू नेगेटिव साइड में है तो y इज इक्वल टू माइनस है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस है तो y इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू हो गया अब क्या फाइंड करना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यस लेटस रेक्टम क्या होता है यस yes, 4a ही होता है फोर इंटू थ्री बाय टू क्या आंसर आएगा यस टू टू झा फोर टू टू थ्री झा सिक्स आंसर आ जाएगा मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है तो ऐसी कैलकुलेशन के बिना भी आप y का जो कोएफिशिएंट है वही हो जाएगा सिक्स सिक्स गया आंसर नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला सेम जो हमने क्वेश्चन किया उसी तरह से है ये भी फोकस फाइंड करना है एक्सिस फाइंड करनी है फिर डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है और क्या फाइंड करना है लेंथ ऑफ रेक्टम तो सबसे पहले तो हमारा जो इक्वेशन है वो लिख लेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एट एक्स इक्वेशन वन अब मुझे पैराबोला का इक्वेशन कौन से टाइप का है वो फाइंड करना है मैंने बताया था वाई स्क्वायर है तो इट इज सिमेट्रिक विथ ई एक्सिस नहीं एक्स एक्सिस तो या तो राइट साइड ओपन होगा या तो लेफ्ट साइड ओपन होगा वो कैसे पता चलेगा एक्स का को एफिशियंट देखिए क्या है सिंस द को एफिशियंट ऑफ एक्स इज नेगेटिव कैसा है नेगेटिव है तो पैराबोला जो होगा पैराबोला ओपन्स टूवर्ड्स लेफ्ट ओपन टू वर्ड्स ओपन टू वर्ड्स टू हो गया तो देखिए पैराबोला कुछ इस टाइप से होगा हमारा ठीक है अब क्या है अगर पैराबोला लेफ्ट हैंड साइड ओपन हो रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होता है यस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स इक्वेशन टू हो गया ठीक है समझ में आ गया देखिए वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम कंपेयर कर लीजिए माइनस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स 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 कैंसल आउट हो जाएगा क्या बच गया हमारे पास ए इज इक्वल टू एट बाय फोर ए इज इक्वल टू टू आ गया आंसर अब ए मिल गया तो सारी वैल्यूज मिल जाएंगी तो फोकस क्या होगा सबसे पहले फोकस फाइंड करना है तो फोकस होगा ए कॉमा जीरो जी नहीं ए नहीं माइनस है क्यों नेगेटिव साइड है तो माइनस ए कॉमा जीरो तो यहां पे लिख लूंगा मैं एफ माइनस ए कॉमा जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वॉट इज ए टू टू कॉमा जीरो अब क्या फाइन करना है एक्सिस सिंपल है एक्स एक्सिस पे ही है तो यस, एक्सिस अब क्या है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी यस yes. बताइए आप ऑपोजिट होंगी इसके x इज इक्वल टू माइनस ए नहीं x इज इक्वल टू प्लस ए क्यों क्योंकि पॉजिटिव पे है तो x इज इक्वल टू प्लस ए तो x इज इक्वल टू ए तो x इज इक्वल टू टू डायरेक्ट्रिक्स भी आ गई अब क्या है लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम क्या होता है यहां से पास होता है लेटस रेक्टम और लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होती है तो लेटस रेक्टम इज फोर इज़ इक्वल टू फोर इन टू इज इक्वल टू एट पहले ही बताया था कोएफिशिएंट जो होता है वही आपका लेटस रेक्टम होता है अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो माइनस एट है क्यू एट आया भाई लेंथ तो पॉजिटिव ही होती है तो लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव कभी गलती मत कीजिएगा कि माइनस एट लिख के आ गए जल्दी जल्दी में लेंथ पॉजिटिव होती है तो कोएफिशिएंट हो बट रेक्टम की जो लेंथ है वो एट ही लिखनी है आपको ओके चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अगेन फोर्थ क्वेश्चन भी क्या है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेंथ ऑफ लेटेक्टम किसकेर इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन वाई इक्वेशन वन किस टाइप का इक्वेशन है पता करते हैं अभी जल्दी से कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है नेगेटिव है सिंस कोएफिशिएंट ऑफ ऑफ इज नेगेटिव तो पैराबोला कहां होगा पैराबोला ओपन्स टूवर्ड्स एक्स स्क्वायर है ना तो कहां पे होगा वाई एक्सिस पे होगा नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे होगा ओपन टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स डाउनवर्ड्स हो गया अब डाउनवर्ड वाले पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है यस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई माइनस फोर ए वाई इक्वेशन टू कंपेयर करेंगे माइनस फोर ए वाई ज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन वाई 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 माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा ए इज इक्वल टू सिक्स बाई फोर तो एज इक्वल टू फोर आ गया यहां होगा बताइए सोचिए जरा एफ ए कॉमा जीरो या जीरो कॉमा ए अगर वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा जीरो होगा और वाई कोऑर्डिनेट ए होगा जी नहीं माइनस है होगा क्यों? क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस पे है नेगेटिव साइड पे है तो जीरो कॉमा माइनस है तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यस जीरो माइनस है इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो माइनस ए की वैल्यू है फोर फोर आ गया अब क्या फाइंड करना है एक्सिस सिंपल एक्सिस इज वाई एक्सिस क्यों क्योंकि वाई एक्सिस पे है डायरेक्ट्रिक्स उसके ऑपोजिट होती है हमेशा और y एक्सिस पे है तो y इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए पॉजिटिव पे है तो y इज इक्वल टू ए हो जाएगा तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी यस yes, y इज इक्वल टू ए सो y इज इक्वल टू फोर अब क्या फाइंड करना है लेंथ लेटर्स रेक्टम लेंथ ऑफ रेक्टम बिना देखे बता दू माइनस सिक्सटीन नहीं सिक्सटीन बताया मैंने आपको जो कोएफिशिएंट होगा वही लेटेस्ट रेक्टम होगा कैसे फोर ए होती है इक्वेशन तो फोर इंटू फोर आ गया सिक्सटीन चारों वैल्यूज मिल गई जो फाइन करनी थी हमें चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहां हमारे पास फाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फॉर वाई स्क्वाज इक्वल टू टेन एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एक्स लिख दूंगा ये है पैराबोला ही है ये भी बट इक्वेशन किस टाइप का होगा अभी पता करते हैं वाई स्क्वायर है तो सिमेट्री कहां होगी यस yes, एक्स के साथ सिमेट्री होगी तो so, या तो राइट साइड ओपन होगा या तो लेफ्ट साइड तो सिंस कोएफिशिएंट ऑफ X इज पॉजिटिव पैराबोला opens towards the राइट right. ठीक है तो यहां पे हमारा पैराबोला ओपन होगा ओके तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है यस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स एक्वेशन वन इक्वेशन टू कंपेयर करिए दोनों को फोर ए एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स क्या हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल्वल टू टेन बाई फोर तो एज इक्वल टू फाइव बाय टू आ गया फाइव बाय टू आंसर आ गया हमारा अब क्या फाइन करना है फोकस अब यहां फोकस होगा जीरो कॉमा ए और ए कॉमा जीरो एक्स पे है तो ए कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा और वाई तो फोकस इज ए कौम जीरो मिला फाइव बाई टू मिला फोकस आ गया एक्सिस कौन सी एक्सिस पे पे है yes, X -axis पे है यस एक्सिस 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 तो इज चलिए आगे क्या है इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑपोजिट में होती है एक्स पे है तो एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव साइड पे है तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी x इज इक्वल टू माइनस ए तो x इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय टू हो गया लास्ट में क्या फाइन करना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लेटस रेक्टम तो क्या होता है फोर इन टू ए बिना कैलकुलेशन करे बताऊं तो टेन आंसर आएगा कैसे फोर इंटू फाइव बाई टू फाइव टू जा टेन आ गया आंसर बताया था पहले ही जो कोएफिशिएंट होता है वही लैटस रेक्टम की लेंथ होती है लेकिन हमेशा पॉजिटिव में नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम व्हाट वी आर गिवन हियर यस x2 -9y अब इससे पैराबोला कैसे फाइंड करेंगे x2 है तो पैराबोला कहां होगा यस सिमेट्रिक विद y एक्सेस बट नेगेटिव है यहां पे को तो हमारा पैराबोला कहां पे होगा डाउनवर्ड्स यस सिंस द को ऑफ y इज नेगेटिव पैराबोला ओपन्स कहां पे डाउनवर्ड्स ठीक है पेरा बोला ओपन डाउनवर्ड अब वाई एक्सिस पे होता है डाउनवर्ड ओपन होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई इक्वेशन वन इक्वेशन टू कंपेयर कर लीजिए क्या हो जाएगा माइनस फोर ए वाई इज इक्वल टू माइनस नाइन वाई 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 कैंसिल माइनस फोर इज इक्वल टू नाइन तो ए इज इक्वल टू नाइन बाय फोर विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू थ्री कुछ डिवाइड ही नहीं होगा तो नाइन बाय फोर एस सिमिलर सेम रहेगा ठीक है यहां पे अब फोकस क्या होगा यहां पे जीरो कॉमा क्यों जीरो क्योंकि वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो जीरो कॉमा माइनस है तो फोकस हमारा हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस ए इज इक्वल टू एफ जीरो कॉमा माइनस नाइन बाय फोर जी हो गया फोकस के बाद क्या फाइंड करना है एक्सिस वाई एक्सिस कौन सी एक्सिस पे है वाई एक्सिस पे इसीलिए लिखूंगा वाई एक्सिस अब देखिए आगे हमें क्या फाइंड करना है डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स होती है ऑपोजिट में अब वाई एक्सिस है तो वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव के नेगेटिव ये पॉजिटिव साइड है तो वाई इज इक्वल टू ए हो जाएगा तो डायरेक्ट हमारी हो जाएंगी वाई इज इक्वल टू ए सो वाई इज इक्वल टू नाइन बाय फोर आंसर आ गया अब क्या होगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लेटस रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला पता ही है फोर इंटू ए तो फोर इंटू नाइन बाय फोर क्या होगा यस yes, नाइन ही बचेगा देखिए कोएफिशिएंट क्या है कोएफिशिएंट कोई है आ गया लेंथ ऑफ रेक्टम भी नाइन तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज क्या वह है सेटिसफाइज द गिवन कंडीशन ये जो दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई करता हुआ हमारा पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है अब ध्यान से देखिए क्या है हमारे पास फोकस इज सिक्स कॉमा जीरो तो यहां पे हमारे पास जो फोकस दिया गया है वो है पॉजिटिव है देखिए एक्स कोऑर्डिनेट है और पॉजिटिव भी है तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सिंस द फोकस सिक्स कॉमा जीरो इज ऑन कौन सी एक्सिस पे है एक्स एक्सिस पे है पैराबोला फॉर्म कौन से फॉर्म का होगा अब एक्स एक्सिस होता है तो पैरा बोला ठीक है यहां पर एक और कंडीशन भी है डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स कहां पे है माइनस सिक्स मतलब नेगेटिव साइड पे है तो हमारा पैरा बोला राइट right साइड पे होगा यस yes, डायरेक्ट रिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स देर फोर क्या लिख सकता हूं पैराबोलाज ऑफ दाई स्क्वायेर इज इक्वल टू पॉजिटिव साइड है राइट हैंड साइड है तो फोर एक्स ये पेराबोला का इक्वेशन हो गया अब यहां पे क्या है ये तो ए है हमारे पास ए क्या है सिक्स तो इक्वेशन में वैल्यू रख लीजिए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इन सिक्स इंटू एक्स तो क्या हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर एक्स आ गया इक्वेशन पैराबोला का फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या किया हमने पहले तो फोकस कौन सा है एक्स एक्सिस पे है वाई एक्सिस पे है वो डिसाइड किया ठीक है तो उससे हमें दो इक्वेशन मिलते हैं या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव अब डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव है तो हमारा पैराबोला कहा होगा राइट साइड पॉजिटिव होगा ठीक है तो वाई स्क्स इक्वल टू ए स्क्स मिल गया फोर एक्स में ए की वैल्यू रख दी तो हमारा इक्वेशन मिल गया हमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है एथ नंबर का क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाइड द गिवन कंडीशन अगेन फोकस है डायरेक्ट्रिक्स है अब देखिए फोकस जो है हमारा यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है वाई कोऑर्डिनेट पे है मतलब हमारा फोकस जो है यहां पे मैं लिख सकता हूं फोकस जीरो कॉमा माइनस थ्री लाइज ऑन y एक्सिस बट मैं सीधे सीधे बताऊं तो ये माइनस है तो नेगेटिव लिख सकता हूं लाइज ऑन नेगेटिव y एक्सिस ठीक है डायरेक्ट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या है डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू थ्री ठीक है तो जब ऐसा होता है सिंस यहां पे क्या हो जाएगा सिंस फोकस इज ऑन द नेगेटिव y एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो नेगेटिव y एक्सिस मीन्स यहां पे फोकस होगा तो पैराबोला भी यहीं पे होगा अब जब पैराबोला डाउनवर्ड्स होता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है यस एक्स इज़ इक्वल टू फोर ए वाई फोर ए वाई नहीं माइनस फोर ए वाई यस अब ए की वैल्यू क्या है यहां पे ए आपको यहां से भी मिलेगा यहां से भी मिलेगा जीरो कॉमा माइनस ए होता है ये और ये वाई इज इक्वल टू ए होता है तो हियर ए इज इक्वल टू थ्री तो यहां पे वैल्यू रख लीजिए क्या आ जाएगा एक्सक्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर इंटू थ्री वाई माइनस ट्वेल्व वाई आ गया आंसर यस एक्सक्वायर इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व वाई इज इज दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ओके चलिए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है सेटिस्फाइज़ द कंडीशन गिवन कंडीशन वर्टेक्स जीरो जीरो एंड फोकस थ्री कॉमा जीरो यहां पर लिख सकता हूं मैं कि हमारा जो वर्टेक्स है वो जीरो जीरो है तो सिंस द वर्टेक्स इज जीरो एंड जो हमारा फोकस है वो कहां पे लाया कर रहा है फोकस जीरो थ्री कोमा जीरो लाइज ऑन दी कौन से एक्सिस पे है फोकस है एक्स एक्सिस पे क्यों? यहां पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास वाई जीरो है लेकिन पॉजिटिव भी है लाइज ऑन दी पॉजिटिव पॉजिटिव एक्ष एक्स एक्सिस तो क्या लिख सकता हूं देर फोर एक्सिस ऑफ पेरा बोला बोला एज एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस ठीक है तो क्या होगा इक्वेशन यस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स अब फोकस क्या है सिंस फोकस एज थ्री कॉमा जीरो तो ए क्या हो गया थ्री हो गया तो यहां पे वैल्यू रख लीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू तो फोर इन थ्री एक्स तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू तो ट्वेल्व एक्स आंसर आ गया हमारे पास ये हो गया इक्वेशन पैराबोला का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता हुआ ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला अगेन पैराबोला का ही इक्वेशन फाइंड करना है कहां से यूजिंग द गिवन कंडीशंस कंडीशन क्या है वर्टेक्स है हमारी जीरो तो जीरो पे मैं लिख सकता हूं सिंस वर्टेक्स इज 0.0 एंड क्या है फोकस जो है माइनस टू कॉमा जीरो है एंड फोकस माइनस टू कॉमा जीरो अब एक्स कोऑर्डिनेट माइनस टू है तो पैराबोला कहां पे होगा यस yes, फोकस पहले तो फोकस हमारा होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे तो यहां पे लिखूंगा फोकस लाइज ऑन दी नेगेटिव एक्स एक्सिस इसीलिए क्या हो जाएगा देर फॉर एक्सिस ऑफ पैराबोला इज नेगेटिव एक्स एक्सिस तो इक्वेशन क्या हो जाएगा देर फॉर इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अब नेगेटिव में है तो माइनस फोर ए एक्स हो जाएगा अब सिंस फोकस क्या है फोकस इक्वल्स टू माइनस टू कॉमा जीरो अब माइनस टू कॉमा जीरो है तो हमारा ए क्या होगा माइनस ए कॉमा जीरो तो a is 2। टू अब ए की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए इज टू और एक्स माइनस एट एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एट एक्स आंसर आ गया आपका ठीक है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेव क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द दैट दाइज द गिवन कंडीशन क्या है कंडीशन वर्टेक्स एक्स जीरो जीरो है पासिंग थ्रू द पॉइंट टू कॉमा थ्री अलोंग एंड एक्सेस इज अलोंग एक्स एक्सिस यहां पर मैं लिख सकता हूं सिंस एक्सेस इज अलोंग एक्स एक्सिस पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म कौन से फॉर्म का होगा एक्स एक्सिस पे है याद तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर x एक्स होगा और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स होगा अब देखिए हमारे पास जो पॉइंट है vertex है हमें तो जीरो जीरो इस बार हमें फोकस नहीं दिया है हमें क्या दिया है जो हमारा पैरा बोला है वो टू कोमा थ्री से पास हो रहा है तो हम यहां पे यह नहीं बोल सकते कि फोकस है पॉजिटिव है नेगेटिव है नहीं हमारे पास एक पॉइंट है तो पॉइंट के ऊपर से पता करना है कि वो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव एक्सिस पे है या नेगेटिव पे कैसे पता करेंगे सिंस टू कॉमा थ्री दोनों ही पॉजिटिव है तो ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा जी हां फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंस टू कौमा थ्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विच इंप्लाइज इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा यस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स इक्वेशन पता चल गया अब देखिए ये वैल्यू है वाई तो की वैल्यू क्या है थ्री है तो थ्री स्क्वे इज इक्वल टू फोर ए एक्स की वैल्यू क्या है टू तो यहां पर टू रखेंगे तो टू थ्री स्क्वायर इज नाइन एट ए विच एम्प्लाइज ए की वैल्यू क्या आ गई यस नाइन बाय एट नाइन बाय एट आ गया आंसर तो हमारा तो फॉर्मूला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स और ए की वैल्यू नाइन बाय एट नाइन बाय एट एक्स थोड़ा अलग तो है यहाँ पे हमें वर्टेक्स दिया था वर्टेक्स एक्स के ऊपर से वर्टेक्स तो जीरो जीरो है लेकिन हमारा जो सॉरी पॉइंट है वो पॉइंट दिया गया था कि यहां से पैराबोला पास हो रहा है द द पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वार्रंट पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा पॉजिटिव टू फोर एक्स एक्स वाई की वैल्यूट करके वैल्यू इस इक्वेशन में रखी तो पैराबोला काम इक्वेशन टू वाई स्क्स इक्वल टू नाइन एक्स मिल गया चलिए इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन क्या है कंडीशन वर्टेक्स एक्स जीरो जीरो पता ही है पासिंग थ्रू द पॉइंट फाइव कॉमा टू एंड सिमिट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस समझ में आ रहा है स्टार्टिंग में बताया था अगर सिमिट्री वाई एक्सिस से है तो इक्वेशन कौन से फॉर्म में होगा यस yes, एक्सक्वायर वाले फॉर्म में होगा सिंस पैराबोला इज सिमेट्रिक कहां से सिमेट्रिक है सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सेस देर फॉर इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म कौन से फॉर्म में होगा यस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई ओके अब देखिए पासिंग थ्रू द पॉइंट फाइव कॉमा टू सिंस द पॉइंट पॉइंट कौन सा है फाइव कॉमा टू लाइज इन दोनों ही पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यस फर्स्ट क्वाड्रेंट तो क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होता है डाउनवर्ड्स होता है तब या अपवर्ड्स होता है तब यस yes, अपवर्ड्स होता है तब अब अपवर्ड्स होता है पैराबोला तो इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई ओके अब हमें क्या फाइंड करना है इक्वेशन इक्वेशन तो है बट क्या प्रॉपर इक्वेशन है वो अब तक जी नहीं ये दो वैल्यूज रखेंगे हम और ए फाइंड करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू क्या है फाइवा टू को उसमें रखिए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई यहां पर रखेंगे वैल्यू फाइव और टू तो फाइव स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वॉट इज द वैल्यू ऑफ वाई टू तो आंसर आएगा आपका ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू एट ए विच ए इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाय एट तो ए की वैल्यू मिल गई अब ए की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख लूंगा स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाय फोर ट्वेंटी फाइव बाय एट y एक्स स्क्वायर तो यहीं पे था तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई फोर टूजा एट ट्वेंटी फाइव बाई टू आ इक्वल टू ट्वेंटी इसी तरह से सॉल्व करना है आपको उम्मीद करता हूं कि आप सबको आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो समझ में आ गए होंगे तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में तब तक नोट्स बनाइए रिवीजन कीजिए कहां से जी हां लर्न हब से जो फ्री है पर बेस्ट है